लॉकडाउन के बाद पलायन की स्थिति पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करवाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएं और बाहर से आने वाले लोगों को सीमाओं पर ही कैंपों में रखा जाए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों के मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाए और उनको समय से पैसे भी पेमेंट भी दिए जाए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारी का आदेश है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को 14 दिन तक क्वारंटीन रखा जाएगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो। कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। 3 पन्नों के पत्र में राहुल ने लॉकडाउन का समर्थन किया है। पत्र में उन्होंने मजदूरों के पलायन को लेकर चिंता जाहिर की है। राहुल ने कहा है कि हम सभी इस संकट के समय वायरस के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। नोएडा में कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। नोएडा में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 31। पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम ने देशवासियों से क्षमा मांगते ही कोरोना से लड़ने के लिए कदम जरूरी थे। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन सोल्जर से प्रेरणा लेने की बात कही है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में वैसे लोगों से बात की जो कोरोना वायरस के संक्रमण में आए और इलाज करवाकर ठीक हुए। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया। ऐसे में देश के कई राज्यों में सैनिटाइजर और मास्क की किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली में सैनिटाइजर और मास्क की बढ़ी मांग के बावजूद मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना वायरस से पीड़ित या क्वारंटीन लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट देखने के बाद 28 दिन का वेतन अवकाश देने का ऐलान। डीएम गौतम बुद्ध नगर ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जेलों में बंद करीब 11,000 बंदियों का को पैरोल या जमानत देकर तय समय के लिए छोड़े जाने की व्यवस्था की गई। राजस्थान के झुंझुनू में 21 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 56। 18 मार्च को फिलीपींस से लौटे युवक को 23 मार्च को भेजा गया था क्वारंटाइन में। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर निकलने वालों को सबक सिखाने के लिए अनोखी पहल। पुलिसकर्मियों ने लोगों को रोक उनके माथे पर लिखा कि हम अधिकारियों का आदेश यानी लॉकडाउन नहीं मानते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से स्पेन की 86 साल की राजकुमारी मारिया टेरेसा की मौत। भाई प्रिंस सिक्स्टो एंड्रिको डी बोर्बोन ने फेसबुक पोस्ट में दी जानकारी। देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की कवायद अपने अंतिम चरण में। 1 अप्रैल को इन 10 बैंकों के विलय से 4 बड़े बैंक बनेंगे जो देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होंगे। सरकार ने देश में विश्वस्तरीय बड़े बैंक बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने का कदम उठाया। इसी के तहत इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। यूपी के बिजली विभाग की लोगों को राहत देने की कोशिश। अप्रैल महीने में बिजली का बिल उपभोक्ता के 3 महीने की बिजली खपत के औसत के आधार पर लिया जाएगा। सरकार और प्रशासन कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी कोरोना को मात देने का ठान लिया है। जोधपुर के कुछ बच्चों ने पलायन कर रहे लोगों के लिए अपने पॉकेट मनी से बिस्किट और सामान खरीदे तो कुछ ने अपने घरों पर चाय बनाकर पलायन कर लोगों की सेवा की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अपने गांव या राज्यों की ओर पलायन कर रहे लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं बताया क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
कोरोना वायरस महामारी के बीच जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध करवाने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी खुद ही आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और पलायन करने वाले लोगों से मुलाकात की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस मेडिकल इमरजेंसी के बावजूद देश के कोने कोने से मजदूरों का पलायन भी जारी है। फिर चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर देश के और दूसरे शहर, लोग अपने अपने गांव लौटने के लिए सड़क पर उतर आए। दुनिया में किसी रॉयल फैमिली से हुई ये पहली मौत है। शुक्रवार को मैड्रिड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। यूरोपीय देशों में इटली के बाद स्पेन ही कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। लॉकडाउन में बिजली की मांग में भारी कमी आई है। ऊर्जा मंत्रालय ने पावर सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की है। डिस्कॉम के लिए 3 महीने के मॉरिटोरियम की घोषणा।